हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो यहाँ पे कुछ सैंडबॉक्स का दिखा था, उसको लेवल अप करने के बाद ही उसको जा पाऊंगा। तो पिछला बार हम लोग यहीं तक वीडियो में आपको यहीं तक दिखे थे, तो उसके बाद मेरे को जो मिला था एक हथौड़ा था, इसको मैंने टेस्ट नहीं किया था। चलिए देखते हैं कैसा काम करता है, पावरफुल है कि नहीं। अरे तेरी भाई, ये तो लेके घूमता रहेगा। अरे यार, लेकिन इसमें तो सारा आप मेरा स्टेमिना खा लिया एक ही बार में। जब तक स्टेमिना ख़त्म नहीं होगा तब तक घूमता रहेगा क्या? तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है, अभी एरो को चेक करते हैं, कोई बात नहीं, पावरफुल तो है। एरो को देखते हैं, तो मारने के लिए कोई है ही नहीं। चलिए देखते बाहर जाएगा, आज थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद में मुझे बेड बना के सोना है। बार बार दिखा रहा है जो आपको इस। अरे यार, इस जगह में आपको बेड बना के सोना पड़ता है, तो मैंने वो स्किप कर चुका हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मटेरियल में बाहर से जुगाड़ करने वाला हूँ अभी यहाँ से, और थोड़ा बहुत अपना जो वेपन है उसको थोड़ा यूज़ करके देखूँगा कैसा काम करता है। चलिए दूर में कुछ है, कहीं हिरन है, चलिए मार के देखते हैं। अरे भाई, एक ही बार मर गया, क्या बात है। एक और एरो मैंने बेकार ही छोड़ दिया यार। कोई नहीं, क्या मिला? अरे एरो भी मिल गया वापस, अच्छा है यार। रॉबिट और डियर का हाइट, चलो ये तो कम से कम सही रखा हाइट। नाम सो एरो अपना कमाल दिखा चुका है, तो बारी है अपना कमाल दिखाने का और मटेरियल थोड़ा जुगाड़ करने का। ये क्या हो सकता है, कुछ है क्या? अरे है, टैच है, तो टैच को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रखूँगा, तो होम बिल्ड करने के लिए काम आएगा। और ये तो मशरूम, अच्छा मशरूम रॉक जो भी मिलता है उठा लेता हूँ। सो गाइस, आप अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और उसमें अगर कुछ आपको लग रहा है करना चाहिए या नहीं, कोई टिप्स देना चाहते हो तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा मुझे। अरे भाई, ये जाइंट खड़ा है, अगर भाग गया तो मैं तो गया, लेकिन मेरे पास हथौड़ा है पावरफुल। चलिए देखता पहले इस छोटा। अरे यार, ये शैतान है बहुत, ही छोटे छोटे सब मॉन्स्टर जो होते हैं। अटैच कलेक्ट कर लेता हूँ यार, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, मारो इसको पहले। चलो ख़त्म, हथौड़ा यूज़ करके देखता हूँ, हथौड़ा यूज़ करे क्या। चलिए लेता हूँ पहले, उसके बाद देखता हूँ। बहुत सारा मॉन्स्टर है यहाँ पे, तो यार मतलब धांसू वाला फाइट रहेगा इस गेम में। चलिए जाके ट्राई करके देखते हैं एक बार इसको, अरे यार उसे मार के देखता हूँ मेरे तरफ भाग के आता है कि। 34 वाला डैमेज दिया भाई। अरे यार, ये छोटू आके परेशान कर रहे, रुक जा भाई, एक बार मार के देख। फिर से खुद नहीं मारे, 39 वाला मारा था यार, गिरा दिया, मैंने बहुत डैमेज खा लिया मैं तो। भागना पड़ेगा, देखता हूँ भाई, हैमर तो पावरफुल थे यार, मैं पास आउट हो गया लेकिन हैमर में घूम रहा है ये कैसे है अकेले यार। सही है यार, मर गया यार आपका भाई, देखता हूँ कहाँ पहुँचा है मरने के बाद। पहला बार मैं मरा हूँ इस गेम पे, कहाँ पे होगा अभी वही देखना होगा, कि बेड तो मैंने लगाया नहीं। वैसे ही वाला सिस्टम लगा ना, बेड जहाँ पे होता है आप भी वहीं पे आके रिस्पॉन होते हो। अच्छा, टेलीपोर्टर में, ठीक, की बार फिर से जाऊंगा। कहाँ से जाएंगे, पहले यहाँ से पार हो लेता हूँ, नदी पार कर लेता हूँ भाई, जल्दी चलो। इसी तरफ था ना, हाँ दिखा रहा वहीं पे, अपना सामान तो वहीं पे गिरा पड़ा रहेगा होगा शायद, क्योंकि अपना कितना कुछ था यार उस सामान। इस मॉन्स्टर को छोड़ने वाला नहीं, मॉन्स्टर नहीं, जाइंट मॉन्स्टर ही है, लेकिन जाइंट वाला मॉन्स्टर। देखता हूँ सोलो उसको मार पाता हूँ कि नहीं। हैमर तो डैमेज दे रहा है, लेकिन दिखाया नहीं कितना डैमेज दिया, भाला अच्छा डैमेज दिया था, लेकिन एक और बार ट्राई करके देखते हैं, फिर बाद में सामान उठाऊंगा। अरे यार, मिस कर दिया, बड़ा वाला पावर उधर फिर से खुद ही मार दिया यार, मेरा फिर से HP खाली कर दिया आधा, क्या कमी है। तो फ्रीज हो रहा है, अच्छा ये हैमर का पावर है, कैसे फ्रीज कर देते इसको भाई, जल्दी फ्रीज हो जा। क्या हो गया, गया तो मैं तो गायब ही हो गया यार, मैं कहाँ गए, उड़ के चला गया कहीं पे, क्या कहीं की पंच मेरे को उड़ा दिया यार, कसम से अब की बार तो।
हैमर यूज करने से नहीं होगा, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा इसको मारने के लिए। जाइंट को सोलो मारना बहुत हार्ड है यार, अभी तो दिख रहा है। सही यार, जल्दी चलो यार, एक मॉन्स्टर को मारने के लिए दो दो बार में मर चुका यार। ये बड़ा वाला डियर मेरे को उठा के फेंक देगा लग रहा है, इतना पावरफुल है कि यहाँ का मॉन्स्टर सारा। छोटे वाले लोग तो भी मर जाते जल्दी, दो से तीन बार मारो तो ठीक ढंग से। लेवल अप करना पड़ेगा जल्दी से मुझे, समझ गया। की बार दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, नजदीक जगह नहीं मारूंगा, भाला से ही मारूंगा। की बार अच्छा डैमेज दिया था, क्यों गया नहीं लगा, आर पर चला गया यार, कैसा है। हाँ लगा, अभी 34 वाला डैमेज, एक और गया, ठीक है आर पर हो गया फिर से। ये लो भाई डैमेज तो दिखा नहीं, लेकिन ये तो पल्टी मार दिया भाई, मजा आ गया। क्या यार बेकार का हथौड़ा लेके घूम रहा था उसके सामने, इससे अच्छा पहले ही मैं भाला यूज़ कर लिया होता तो कब का मार दिया होता, दो दो बार मर चुका है यार। सेट तो दोस्तों याद रखो, ये बड़े वाले जो जाइंट होते हैं उनको अगर मारना है तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला वेपन यूज़ करो, क्लोज वाला यूज़ करोगे तो खुद ही मर जाओगे। यार ये कहाँ जा रहा है घूम फिर के, इसको मारो जल्दी से, लकड़ी को काटो उसको ले लो। जाइंट का साथ एक फ्रेंड अपना तेल भी मिल गया है, बहुत सारा वुड मिलेगा, उसको काटना पड़ेगा। चलिए कोलारी क्या दिखा रहा है इसको पहले हम कर लेता हूँ। बेट रेसिपी बहुत देर से बोल रहा था यार, बेट को बनाओ करो तो कर लिया, अब जाके बेट बनाऊंगा। पहले लकड़ी जुगार कर लेता हूँ, काटो इसको। इसका ये वाला फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका जो पेड़ काटोगे तो उसका जो तना रहता है तो आप उसको हिला भी सकते हो इधर उधर, सही है आपका टच से, मतलब उसको सेंसिविटी जो मोशन होता है ना बहुत बढ़िया लगता है। ये दूसरे वाले में मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ, यूट्यूब में तो नहीं था एकदम। और ये गेम बहुत सारे आप लोग जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब का कॉपी है, आप भाई कह सकते हो, लेकिन एकदम से भी नहीं है। मतलब इसका कोई स्टोरी लाइन है, उसका उतना कोई स्टोरी लाइन नहीं है। आप वहाँ पर जाके एक बार स्टार्टिंग में कुछ दिखा दिया, उसके बाद अपना जो भी करो अपना मर्जी से करते रहना पड़ता है। यहाँ पे एक स्टोरी लाइन है बराबर, और यहाँ का क्रिएचर्स बहुत रियल वाला मतलब नेचुरल वाला फील देता है। वहाँ पे बहुत सारा जो ऐसा ऐसा है मिथिकल क्रिएचर कह सकते हैं। हाँ जाइंट यहाँ पे मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन फिर भी बाकी जो भी अपना है जानवर वगैरह एनिमल्स वो सेम टू सेम है। जैसे देखिए जंगली सुअर हो गया, हिरन हो गया, ये बहुत सारा सेम लगता है मुझे, तो एक रियल वाला जो टच है इसमें बहुत मजा आएगा खेलने में। इसमें क्या कर सकते हैं, गाड़ी बस भाई बैठ गया भाई, मजा चल सकते हैं क्या भाई, अपना गाड़ी भी है खुद का, क्या मस्त है यार। एक खुदाई वाला जो रेलवे वाला है ना, वही है ना पटरी, मतलब यहाँ पे खुदाई भी करना पड़ेगा, केव्स वगैरह होगा, बढ़िया है। अच्छा यहाँ पे एक गिफ्ट बचा है, इस गिफ्ट को लेना पड़ेगा यार, तो उड़ रहा है हवा में, उतरो कैसे अभी। अरे भाई उतर भी जा, कहाँ गया, उतर ले, हाँ उतर गया। अच्छा समझ गया, मतलब यहाँ से जा सकता हूँ इजीली, घर के सामने ही है अपना गाड़ी। तो अभी क्या दिखा रहा है, जल्दी जल्दी बेड बनाने के, पहले घर को बना लेता हूँ। वो बेड को इस तरफ रखूँगा, बना लाना पड़ेगा थोड़ा, फर्नीचर नहीं है स्ट्रक्चर, अच्छा अनलॉक करना पड़ेगा रेसिपी पेज 1 यूज करके आप उसको अनलॉक कर सकते हो। टैच वाला फाउंडेशन पहले अनलॉक कर चुका हूँ, इसको लगा लेता हूँ पहले। अरे यार ये पेड़ बीच में आ रहा है, दिख नहीं रहा है ढंग से। चलो भाई लग भी जा, हाँ लगा फिर से यार, थोड़ा इस तरफ ऊपर चढ़ जाओ सबसे बढ़िया रहेगा, अब लगाएंगे बराबर। चलो हो गया, एक और लाइन बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा सामान रखने के लिए, बाद में जगह छोटा पड़ जाए नहीं तो। लाइनों को उठा लेता हूँ, हाँ हो गया, बनाओ स्ट्रक्चर पे जाओ बस। अरे ये कहाँ से आ गया,
पड़ गया यार। तो टैच कलेक्ट कर लिया हूँ, अंदर जो भी था आस पड़ोस में जो भी है सामान समेट लो जितना हो सके। ठीक है, तो अब बेस को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से बेड लगाते हैं। और आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको छोटा रखेंगे क्योंकि मैं और वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्द। तो दोस्तों आप लोग देखते रहना मेरे इस जर्नी को, और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका अगर कोई रिकमेंड रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या करें, कलेक्शन है डायमंड, अच्छा 5 डायमंड मिल गया भाई, इस दुनिया में डायमंड जलता है ज़्यादा, क्या बात है। अच्छा इसका रेसिपी क्या हो गया, मज़ा आ गया भाई, कितना कुछ मिल गया, मशरूम सूप मिल गया, क्या क्या यार, वाइन वगैरह कुछ था क्या, टेलीपोशन पोशन है भाई, टेलीपोर्ट होने का वाला पोशन है, उसको खाओ और टेलीपोर्ट हो जाओ, मस्त है यार। चलो आपका भाई अपना बेड लगा दिया है, अब क्या करना है, सेट बेड नीड टू क्लोज टू कैंप फायर। अच्छा बेड को अपना कैंप फायर का नज़दीक रखना है, तो कैंप फायर अच्छा अनलॉक है ना, कैंप फायर को नज़दीक लगा देता हूँ। चलो तो बगल में बैठा दूंगा, क्या करें, अच्छा नया वाला, अरे क्या हो गया भाई, चल के नीचे चला गया जमीन पर, सही है भाई, अच्छा लेकिन मेरा बेकार हो गया वो काम, अरे यार मेरा काम बेकार कर दिया, कोई नहीं सही है, दोनों तरफ रहने दो, बाद में देखता हूँ। 50-50 जल के चला गया भाई, मस्त है यार, चलो दोनों तरफ रहने दो, कोई बात नहीं, अब सो लेता हूँ। तो सो लिया, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।